दृष्टांत तो और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रदेम डी जगन फ्रॉम हेवन इलादा मिनिस्ट्रीज आए हैं। लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदेम जगन वेलकम टू द प्रोग्राम। हमने लगभग पैंतीस एपिसोड्स किए हैं बहुत से लोग नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया दुनिया के हर भाग से रेस्पॉन्ड किए हैं बेसिकली है, आज हम जो विषय को देखें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है हमने लूक से ये लिए हैं और उस विषय में जाने से पहले क्राइस जो है लुक को अगर आप देखेंगे तो बहुत से जगह हम देख रहे हैं लूक एक चिकित्सक है वो डिटेल में लिख रहे हैं बहुत जगह जाकर बहुत लोगों से पूछकर सुनकर फैक्ट्स को फैक्ट्स को सुनकर लिख रहे हैं क्राइस भी लगभग हम पैंतीस एपिसोड सिर्फ पैरबिल के बारे में ही बात करें उतना विषय है इसमें अब एक विषय को जितना सरल कराना चाहिए उतना सरल करना ही कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है क्राइस्ट क्राइस्ट क्यों अपनी जिंदगी में बहुत बार लोगों को समझाने जैसा वो बताए फिर भी कई बार हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं तो किस हद तक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कम्युनिकेशन ही तो जीवन है जैसे एक मनुष्य दूसरे से बातचीत करता है वही तो कम्युनिकेशन है इसमें सबसे पहली जो रुकावट है वो तो भाषाओं की रुकावट है यानी भाषा देखिये पहले तो भाषा लिखी नहीं जाती थी बस बोलते ही थे वो तो पहले बोलते थे फिर बोलना शब्दों में लिखा गया और अभी इस हद तक हो गया कि हवा में हम लिख सकते हैं यानी एक तरह से ये डिजिटल है तो कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात किए बिना नहीं रह सकता चाहे वो जो भी उसे कम्युनिकेट करना है इसी तरह से परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करना चाहते हैं अब ये कम्युनिकेशन यानी इसके बीच में है मीडिया इस तरह हम कहते हैं इसका नाम हमने मीडिया रखा है एक एक समय काल में मीडिया का अलग नाम था उस जमाने में मीडिया का नाम भविष्यवक्ता होता था और वो तो परमेश्वर और लोगों के बीच में होते थे उसके बाद में याजक नाम का एक ग्रुप हुआ करता था परमेश्वर के जन जैसे इन दिनों में पास्टर्स होते हैं भविष्यवक्ता हैं ये सब मीडिया पीपल हैं यानी वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है जहाँ तक कि देखे नए नियम में पवित्र आत्मा ही मीडिया है होली स्पिरिट मीडिया है वही तो हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ता है और फिर वो जो उपयोग करता है वो मोड़ या साधन जो है, वो परमेश्वर के दास है जब इस तरह से तो कम्युनिकेशन जैसे आपने लूका के बारे में कहा लूका प्रभु ने इसका उपयोग किया और जैसे उसने युना का उपयोग किया वो तो बिल्कुल अलग है लूका का और योना का सुसमाचार देखे तो लूका ने इसे बहुत ही आसानी से समझ में आए ऐसे लिखा है सभी बहुत सिंपल ही है सब कुछ वेरी सिंपल कारण क्या है लूका ने जब लिखा तो लिखा थियो को लिखा जो कि रोमी वकील था उससे उसने लिखा था जब उसने उसे लिखा लिखा तो ऐसे लिखा कि हम समझ पाए ये तो हायर ऑफिशियल था ये कौन था थियोफिलिप्स वो तो बड़ा अधिकारी था वो इसे कैसे समझेगा इसके आधार पर कानून रोमी कानून के आधार पर ज्यादातर उसी के आधार पर वो हमें बताता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ परंतु यहूदी व्यवस्था के अनुसार भी बताता है यह बहुत ही सुंदर ऐसा विवरण है और उसी समय में ने यूनानियों के लिए लिखा ये उसने सीधा यूनानी लोगों को लिखा वो तो ऐसे थे जो वचन पर विश्वास करते थे आदि में वचन था इस तरह से शुरू करते हुए यूनानी लोगों को बताता है जब उन्हें लिख रहा था ग्रीक लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते थे सोक्रेटिस जैसे लोग अरिस्टेटल प्लूटो जैसे लोग तो ऐसे समय में जब ये उन्हें लिखा गया बहुत सरल नहीं लिख सकते थे आपने देखा होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आप देखें तो आप समझ नहीं पाएंगे hmm. ये कुछ ऐसे लोग हैं वो इसे क्यों लिख रहे हैं वो अपने लिए इसे लिख रहे hmm. हैं कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूं देखिए जैसे कि सीईओ से डायरेक्टर कंपनी डायरेक्टर से बात करता हूँ वो जिन इंग्लिश शब्दों का उपयोग करते हैं वो सब लोग उपयोग नहीं करते हैं वो जानबूझ इसका उपयोग करते हैं हायर ऑफिशियल लोगों से बातें करना है तो इसी तरह से बातें करना है तभी तो इनका जो स्टैंड है इस तरह से दिखेगा इस तरह बात करते हैं लेकिन मसीह का स्टैंडर्ड अलग है मसीह क्या चाहते हैं सभी को समझ में आए इस तरह से बात करते हैं देखिए अगर वो अपने स्टैंडर्ड से बात करे वो परमेश्वर बात कर रहे हैं संसार में कोई समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो तो सौ प्रतिशत ऐसे ज्ञान और बुद्धि के व्यक्ति हैं उसके सामने हमारा ज्ञान और बुद्धि एक परसेंट भी नहीं है वो इस तरह बात करते हैं देखिए यहाँ पर बातचीत में वो क्या अपेक्षा करते हैं जिस हद तक इसे सरल कर सकते हैं उस हद तक इसे सरल करते देखिए सभी का समझना एक ही स्तर का नहीं है hmm. जरा सोचिए कि कहिए कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ जिसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं तो उससे बात करने की उसकी नम्रता अलग होगी और उसी के साथ में अगर कोई व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है उससे इतनी सरलता में बात करने की जरूरत नहीं उस हद तक की सरलता काफी है लेकिन उतनी सरलता उसके लिए बहुत मुश्किल है मेरी बात समझ रहे हैं देखिए इस तरह से ये बाइबल है मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि देखिए ये एक बाइबल कहिए कोई अनपढ़ भी व्यक्ति इसे समझ सकता है या फिर बहुत बड़े किसी बिजनेसमैन को या फिर बड़े सीईए को किसी को भी वो भी समझते हैं साइंटिस्ट यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन देखिए ये तो बहुत अच्छी किताब है देखिए ये एक किताब इतने डायमेंशन में है उन सभी को एक ही समय में सारा विवरण दे सकती है यही तो आत्मिक रीति से जगाना है वचन का महत्व है परमेश्वर के बारे में देखे इतने पढ़े लिखे सर आइजक न्यूटन उन्होंने कहा उन्होंने बाइबल के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं बाइबल आत्मिक जागृति लेकर आती है उसी समय में उसी शहर में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बस साधारण रूप में बैठ कर अध्ययन करता है और जागृति पाता है ये कैसे संभव है यही तो बातचीत है hmm. देखिए परमेश्वर का जो महत्व है वो उतना देखिए मैं इस पॉइंट को हमेशा अपने मन में रखता हूँ वो क्या है मेरे पास जो ज्ञान है या जो योग्यता है वो एक हद तक दिखाई नहीं जा सकती है तो देखिए ये उसके लिए नहीं है हमें कितना पता या नहीं ये बात नहीं है हम एक विषय के बारे में कहते हैं उसके बारे में स्पष्ट कहते हैं अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो इसे समझ गए तो काफी है यही तो कम्युनिकेशन है वो कोई कचरे का डब्बा नहीं जहाँ पर मैं अपने टैलेंट और योग्यताओं को डंप कर दू उन्हें जो चाहिए अगर मैं उन्हें पूरी तरह से समझा दूं तो मैं निश्चय इस तरह से बहुत सफल रूप में कम्युनिकेशन कर सकता हूं प्रचार के लिए बुलाते हैं वहां बैठे हुए लोग कितने पढ़े हैं ये हमें पता नहीं लेकिन पवित्र आत्मा को पता होता है जब आप पूरी रीति से पवित्र आत्मा पर आधारित होते हैं तो वो सब कुछ सिखाता है देखे यही बात बीस साल पहले अगर हम कहते तो नहीं पहुँच पाते थे पर पांच या सात साल से ये सारी बातें पहुंच रही ऐसा क्यों है उस समय पवित्र आत्मा लोगों तक इस तरह पहुंचाता है जरूर तो देखिए ये तो पूरी तरह पवित्र आत्मा का काम है हमारा काम नहीं है जरूर उस कम्युनिकेशन को इतना इम्पोर्टेंस क्राइस दे रहे हैं उसके अलावा पैराबल दृष्टांत और रगस्य इस टाइटल में हम बात कर रहे हैं लूक जो है आ, बहुत सी विषयों में एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि एक, एक सिंपल जो विषय है उसे प्रभु एग्जाम्पल देकर दृष्टांत को बताकर उसे स्पष्ट कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर आ, आज हम उसे स्पष्ट करने लग के एक जगह पर आए हैं लूक चैप्टर सिक्सटीन में वो है लूक चैप्टर सिक्सटीन वर्स 19 16 लूक 19वें वचन में अब ये जो दृष्टांत को इसे सब जानते हैं रिच मैन एंड लाजरस इसमें पहला सवाल मेरा यह मैं कहानी के अंदर नहीं जा रहा हूं आमतौर पर ये सोच रहे हैं कि अगर धनी मानुष है तो ये सब पर लोग नहीं जाएंगे ऐसा एक थिंकिंग जो है वो जनरली वो है लेकिन बाइबल क्या कहती है इस दृष्टांत को क्यों एक धनी व्यक्ति ला, लाजरस ये ऐसा एक कैरेक्टर को क्यों दृष्टांत के रूप में प्रभु इस समय में इस समय काल में इसे इसे स्पष्ट कर रहे हैं अगला सवाल है 2000 साल से ये दृष्टांत अपने आप को प्रमाण करते ही जा रहा है अब आगे जितने भी साल हो जाए टिल क्राइस्ट रिटर्न्स ये जो दृष्टांत है वो सही रहेगा कोई भी डिजिटल जनरेशन के लिए भी ये सही रहेगा ये ये स्टोरी ये जो दृष्टांत है इसमें जो इम्पोर्टेंट जानी बातें अनजान दृष्टिकोण है वही मेरा सवाल है पहले सवाल को देखते पहला सवाल है वो धनी व्यक्ति ये धनी व्यक्ति क्यों स्वर्ग में नहीं चला गया यानी स्वर्गदूत उसे क्यों नहीं ले गए क्या हर धनी व्यक्ति ऐसा ही होगा वो भी मेहनत करके ही कमाते हैं ठीक हाँ, है सही है हाँ। इस सवाल में जाने के पहले मैं दृष्टांत के बारे में आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ क्योंकि बाकी दृष्टांतों के बारे में परमेश्वर ने उपयोग किया भूमि के ऊपर की बातों के बारे में कहा यानी जिन्हें लोग देख सकते हैं दाक की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया किसी ने बीज बोए और फिर वो उगते चले गए अच्छा, चर्वाहा। अच्छा चर्वाहा। या किसी को पांच तोड़े दिए गए ये सब लोगों से कम्युनिकेट करने वाली बात है लोगों के मन से क्यों और दृष्टांत क्या है इसके बारे में कहे तो जो विषय नहीं जानते उसके बारे में बताना यही तो दृष्टान्त है लेकिन इस दृष्टांत में देखे तो लोग नहीं जानते ऐसा विषय है उसके बारे में बताना यही तो जरूरी है यानी अब्राहम की गोद में था यानी वहाँ पर वो तो अब्राहम की गोद में लेटा था ये धनवान और लाजर आपस में बात कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को सोच कर देखिए इमेजिन कल्पना नहीं, कर, नहीं कर सकते सोच नहीं सकते <laughs> उन्होंने विश्वास किया इसराइली विश्वास करते थे और वो ये है यानी जो मर गए हैं जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया उसके अनुसार जिया और उसके बाद में मर गए वो तो शांतिपूर्ण जगह पर चले जाएंगे देखिए वो जगह दो भागों में है स्वर्गलोक या फिर अधलोक इस तरह कहाँ है वैसे टाटरस हेड्स और अबेस गहना इस तरह चार भागों में है यानी ग्रीक में अधलोक के बारे में ऐसे चार भाग हैं इस तरह टाटरस हेट्स कहा जाए तो ऐसी दो जगह हैं और फिर देखिये अबे अबे के बारे में जैसे हम कहते अध हिंदी में कहे तो अंधकार अधलोक कुंड नरक इस तरह चार हैं अब इस तरह से अधलोक अथा कुंड है अंधकार के कुंड में देखिए शैतान को ऐसे सांखल से बांध कर रखा गया है अब ये चार जगह जो है अब जो नरक है वो तो बिल्कुल आखिरी में आएगा वो है लेकिन अब तक लोग उसमें नहीं गए न्याय के बाद में लोग वहां पर जाएंगे इस तरह से बाइबल कहती है तो अधलोक और अथा ये दो हैं अब अधलोक 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 में ऊपरी और निचला अधलोक इस तरह है पुराने नियम में अगर आप देखें तो वहां पर परमेश्वर के पवित्र लोगों ने कहा है तू अधलोक की तह में जाने से बचा लिया है ये कहता है भजन संहिता में भजन संहिता में एक जगह कहता है यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊ तो वहां भी तू है ये कहता है याकूब इस तरह से कहता है मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधिक में उतर जाऊंगा इस तरह कहता है किसी ने भी स्वर्ग में जाने के बारे में यहाँ पर नहीं कहा है नहीं। अधलोक में चला जाऊंगा अधलोक में चला जाऊंगा कहते हैं और अधलोक की तह तक न जाए हम अधलोक के ऊपरी भाग में रहेंगे इस तरह से उनका विश्वास था उसी के आधार पर यह दृष्टांत है सो so, एक थिंकिंग है और थिंकिंग के बेस करके ही वो उसके आधार पर ये आता है फिर ये साबित करता है क्योंकि मसीह ने कहा मसीह ने ये कहा है तो जब मसीह इसके बारे में कहते हैं तो अधलोक का ऊपरी भाग और उसके तह के बारे में फर्क बताते हैं अब ये जो फर्क बताया इसके बारे में कभी लोगों ने देखा भी नहीं था दृष्टांत मतलब देखी हुई बातों से अनदेखी बातों को बताना यहां देखी हुई बातों को बताते हुए अनदेखी बातों के बारे में बताते हैं और दूसरी बात अब देखिए धनी व्यक्ति और लाजरस इन दोनों का उपयोग करते हुए दो चरित्र के बारे में बताया जी हाँ लेकिन उसे वो रिलेट कर पा रहे हैं जी ये जो गरीबों को देख रहे हैं गरीबों को भी देख देख रहे रहे हैं हैं लाजर के बारे में बता देख रहे हैं। रिलेट कर पा रहे हैं। अब ये जो लाजर है ये क्या यही मरियम का लाजर है हमें पता नहीं वहां पर एक और लाजर है तो देखिए वो जो लाजर है वो इस तरह से नहीं वो लाजर इस तरह से नहीं मरा ऐसा नहीं है तो वो अलग लाजर होगा तो शायद शायद ये व्यक्ति उस नगर में रहता होगा यदि ऐसा नहीं तो शायद इस दृष्टांत के लिए इस चरित्र को उपयोग किया यानी एक धनी और लाजर इस तरह के कैरेक्टर लिए होंगे लोगों ने इन दोनों चरित्र को कैसे देखा पता नहीं उन्होंने अधलोक को नहीं देखा था और इसीलिए यीशु यहाँ पर उनसे ये कहते हैं।, हैं मैं ये कह रहा हूँ कि ये दृष्टांतों द्रिश्टान्त से कैसे अलग है दृष्टांत यानी देखी हुई वस्तुओं को बताकर अनदेखी वस्तुओं के बारे में समझाना है ठीक है अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं यहाँ तक हमने जो देखा है देखिये जो धनी व्यक्ति है ये केवल इस दृष्टान्त में है कि जो धनी व्यक्ति है वो तो वहां पर अधलोक में चला गया था और जिसने दुख उठाया वो अच्छी जगह पर गया इसे देखकर ऐसे लगता है कि भूमि पर धनी होना ही गलत है जी आ, उस तरह का एक थिंकिंग देखिए लोगों में इस तरह की सोच है ऐसा विचार है कि यहाँ पर इस भूमि पर अच्छी चीजों का आनंद उठाना क्या ये सच में गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे में ये क्या कहता है अब्राहम ने यहाँ पर कहा अदलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को देखा वचन पच्चीस अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण करके की तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं का इस तरह कहा परंतु वो अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है यदि कोई भूमि पर अच्छी वस्तुओं का आनंद उठाता तो मरने के बाद आनंद नहीं उठाएंगे उस तरह का एक पॉइंट है वो इस वचन को इस तरह से समझते हैं हमें केवल कंगाल रहना है, धनी नहीं होना ऐसे वचन कभी नहीं कहता है हमें धन का लोभ नहीं रखना यह वचन कहता है वो धन का लालच रखते हैं लोभ रखते हैं उसके पीछे भागते भागते रहते हैं ऐसा नहीं करना है धन का लोभ धन का लोभ कहना सही होगा धन की जरूरत है पर उसका लोभ न रखें वस्तुएं चाहिए पर उसका लोभ न रखें भोजन चाहिए पर पेटूपन ना हो यही बाइबल कहती है पैसा नहीं तो इस संसार में कैसे जी पाएंगे ये कम्युनिकेशन का मोड है जी, ये ट्रांजेक्शन मोड है हर समय में ये रहा है तो धन के बिना हम क्या कर सकते है जिस समय मनुष्य ने पूरे संसार को शैतान के हाथ में दिया तभी ये मोड शुरू हुआ शैतान ने हर चीज की कीमत रखी जब अब्राहम कनान में गया उसे कब्र की जमीन खरीदनी थी कब्र की जमीन खरीदने के लिए उसे चांदी के सिक्के दिए थे तो अब्राहम को भी इसकी जरूरत पड़ी थी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लाजर को कहां पर रखा गया था अब्राहम की गोद में रखा गया है ना अब यह अब्राहम कौन था वो खुद ही तो धनी अब्राहम और लूट की जो संपत्ति थी इस भूमि पर समान नहीं पा रही थी साह के रिश्ते के लिए लड़की ढूंढी गई रिबेका के घर में जाकर उस सेवक ने क्या कहा था उसने कहा यहा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है वेरी वेरी रिच रिच पर्सन जी और वो महान पुरुष हो गया है ईसा के बारे में बाइबल कहती है कि वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई की वो अति महान पुरुष हो गया इसका मतलब इस जगह पर धन के बारे में नहीं कहा गया है नहीं तो लाजर को बहुत गरीब व्यक्ति की गोद में रखना था जी तो उसे धनी की गोद में क्यों रखा गया अब्राहम तो बहुत ही धनी व्यक्ति था वचन ये कहता है पुराने नियम में धन संपत्ति है अब्राहम है अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था बाइबल धन पर फोकस नहीं करती है धनी व्यक्ति बुरे होते हैं और कंगाल व्यक्ति अच्छे होते हैं इस तरह से बाइबल में कहीं पर भी नहीं कहा है कई बार हम इन सारी बातों को गलत समझ लेते हैं धन कोई गलत चीज नहीं है लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है सारे धनी लोग कहाँ जाते हैं कहते अधलोक में जाते हैं तो धनी नहीं होना है हमें कंगाल होना है इस तरह बहुत से लोग कहते हैं गलत एक, ये गलत कॉन्सेप्ट है जब कौन था यीशु ने कहा जैसे जक्कई ने कहा स्वयं प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया ऐसे कहा कर्नल कौन था कर्नल तो इस नगर का बहुत ही धनी व्यक्ति था सुबेदार कौन था वो तो सौ लोगों के ऊपर में अधिकारी था इसलिए सुबेदार कहा गया hmm. तो ये कौन था देखिए वो कहता अगर मैं किसी को जाने के लिए कहूं तो वो जाता है देखिए मतलब वो तो इतना प्रभावी व्यक्ति था इतना प्रभावी व्यक्ति कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए अब देखिए यही तो उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी थी हमें यही होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रभु है, है ना उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया आज जो सोना चांदी जो धन को बताता है ये सब कुछ किसने बनाया है सृष्टिकर्ता कौन है यानी आप इसे देख सकते हैं नया यरूशलेम न्यू यरूसलेम बाइबल कहती है वहाँ चोखा सोना है कहा गया है फिर कहते ये धन के बारे में कह रहा है धन की आशा रखना नहीं 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 देखिए सब कुछ है लेकिन उनके बारे में हमें लालच नहीं रखना चाहिए ज़रूरत हो तो उसका उपयोग करें कुछ लोगों को अगर देखें तो ये धन के बारे में नहीं कुछ लोग ऐसे हैं वो तो कप्स जमा करते हैं घर में सौ कप्स हैं छोटे छोटे कप्स खरीदते हैं हॉबी है इस तरह कहते वो किसी को देते भी नहीं उसका उपयोग भी नहीं करते कुछ समय के बाद में क्या होता है ये सारी चीज़ें उनके जीवन में उनको पकड़ लेती है यहीं पर तो गलती होती है शर्ट को ही ले लेते हैं कुछ लोगों के पास में सौ शर्ट है दो सौ शर्ट है पर देने की इच्छा नहीं रखते यहाँ पर बात तो ये नहीं है कि धनी है या गरीब है ये तो मुद्दा नहीं है यहाँ पर एक अलग ही समस्या आती है अब देखिए इस अब्राहम में और इस धनी मनुष्य में कौन सा फर्क है अब्राहम तो धनी था ये भी और ये व्यक्ति भी तो धनी था बस, क्या? फर्क क्या है अगर इस फर्क को हम समझ लेते हैं तो इस संसार में कैसे जिए हम इसे जान पाएंगे बेसिक, बेसिक जानेंगे नहीं तो इस तरफ एक्सट्रीम में जाएंगे या फिर इस तरफ एक्सट्रीम में जाएंगे किस तरह से एक्सट्रीम में जाते हैं जैसे कि चप्पल नहीं पहननी चाहिए कई लोग तो चप्पल पहनना भी पाप मानते हैं संसार से घृणा करना क्या है यानी सारी चीजों से घृणा करना इसलिए मैं हमेशा कहता हूं उठाए जाने के बारे में कहूंगा कि हनुक ऐसा था सबसे पहला व्यक्ति जो उठाया गया वो तो हनुक था उसने संसार से घृणा की क्या इसीलिए तो वचन स्पष्ट कहता है हनो का एक परिवार था उसके बेटे बेटियां हुई इस तरह से यहां पर वचन कहता है देखिए हम परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति है इस बात की गवाही कैसे पा सकते हैं सबको छोड़कर जंगल में जाने से नहीं पा सकते यानी खुद को अलग करके सारी जिम्मेदारियों को दूर करके मुझे सारी वस्तुएं नहीं चाहिए ये कहना नहीं है देखिए पॉलूस उद्धार पाने के बाद उसे कहीं दूर भाग जाना चाहिए था हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसके प्रति हम कितने ईमानदार है यहां पर यही तो मुद्दा है हनोक को एक परिवार दिया गया था वो अपने परिवार को छोड़कर भागा नहीं उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी ली यही तो कह रहा है तो हमें जो धन दिया गया क्या हम उसके बारे में ईमानदार है यही सवाल है देखिए अब्राहम तो धनी व्यक्ति था परमेश्वर ने दिया था देखिए एक समय में सदोम के राजा ने कहा तू तो धनी व्यक्ति हो जाएगा तो ये सारा धन ले ले केवल लोग लौटा दे यहां पर अब्राहम ने उससे क्या कहा मैं तुझसे जूते का एक बंध भी नहीं लूंगा जूती के लेस भी नहीं लूंगा मुझे वो भी नहीं चाहिए मुझे शू लेस भी नहीं चाहिए सब लेकर चला जा इस तरह कहा इसका क्या अर्थ है धन से नफरत की नहीं नहीं सवाल ये है कि उस धन को हमने कैसे कमाया है जब वो धन हमारे पास आता है क्या वो सही मोड में आया है क्या मैं सही कमाई कर रहा हूं क्या वो धन मेरे पास सही तरीके से आ रहा है क्या मैं उसका सही उपयोग कर रहा हूं केवल धन ही नहीं पर हमें यह समझना होगा वचन धनी व्यक्ति से नफरत नहीं करता है धन गलत है ये कभी नहीं कहा गया है यीशु ने धन को हैंडल किया या नहीं हैंडल किए धन के लिए उसने अलग अकाउंटेंट रखा था ना उसे धन की थैली दी गई सही तरह से हैंडल करने के लिए कहा और यही तो हमें जो दिया गया धन है या हमें जो दिया गया काम है या हमें दिया गया परिवार है यह हमें जो कुछ भी दिया गया है हम उसके बारे में कितने गंभीर हैं और उसका हम उपयोग कैसे करते हैं यही तो सवाल है और इसलिए वचन में यह बताया गया है धनी व्यक्ति के बारे में केवल ये धनी ही नहीं है लेकिन ये किस तरह का धनी है यही तो सवाल है अब देखिए इस लिस्ट में यह अधोक में गया अधोक की तह में गया और अब्राहम अधलोक में ऊपरी भाग में था बस यहीं पर ये फर्क है और कोई दूसरा फर्क नहीं अब ये लाजर और धनी व्यक्ति इस कहानी के हम फाउंडेशन में ही गए अभी तक सब्जेक्ट के अंदर नहीं आए तो इतने सारे विषय हम एक धनी व्यक्ति के बारे में एक रिच मैन के बारे में हम देख रहे हैं तो बाइबल इज नॉट अगेंस्ट रिच पीपल वो सब तो ठीक है लेकिन बहुत लोगों की यह प्रार्थना है कि प्रभु हमें आशीष दो प्रभु आ, मेरा मेरा जो जो वर्ल्डली के लिए एक लिस्ट बना करी है, उसके लिए कुछ प्रार्थना भी है क्या ये प्रार्थनाएं सही है या गलत है ये मेरा एक सवाल है लेकिन हम जो ये, मैं अभी भी संकट में हूँ ये हम इतने धनी परमेश्वर को हम नमन करते हैं लेकिन हम कष्ट में हैं ऐसा कहकर बहुत लोग ये सोच उनके लिए प्रभु का क्या उत्तर है जरा बताइए गरीबी ये बहुत ही सटीकता से बनाई गई ऐसी मांग नहीं कि उसे गरीब ही होना होगा ऐसा नहीं है अयूब के बारे में कहते हैं देखे अयूब वो तो बहुत धनी व्यक्ति था उसके जीवन के एक काल में उसे परखा गया और उसके बाद में वो फिर से धनी बना मैं ये बार बार कह रहा हूं हम इस एपिसोड में धन या धनी के बारे में नहीं कह रहे हैं नहीं, हमारा मोटिव वो नहीं हमारा है। उद्देश्य वो नहीं बस यही कह रहे हैं धन का लोभ गलत है इसमें कोई बदलाव नहीं हमें जो कुछ भी चाहिए वो परमेश्वर हमें देते ही हैं। उसका उपयोग करे सेवकाई के लिए दे उसी के साथ ही कंगालों की भी देखभाल करे देखिए ये सारी बातें तो ठीक है अगर हम धन के पीछे ऐसे भागते रहेंगे मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए सौ करोड़ दो सौ करोड़ हजार एकड़ दो हजार एकड़ ये विचार गलत है इसमें कोई बदलाव नहीं है लेकिन क्या कंगाल होना इसके लिए क्वालिफिकेशन है कुछ लोग सोचते अगर हम मसीह के पीछे चलेंगे तो जीवन भर कंगाल रहेंगे क्या कंगाल रहना अच्छा है कुछ लोग तो कहते हैं जीवन भर हम ढूंढ रहे हैं गरीबी में ही हो हम मुश्किलों में पड़े हैं मसीह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति कभी गरीब रहे परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि कोई कंगाल रहे पुराना नियम नया नियम दोनों में परमेश्वर ने क्या कहा है रोज की रोटी तो हमें दे इस तरह से कहा Give us our Daily bread. ब्रेड इस तरह से कहा है नए नियम में इसी तरह से क्या कहा है मुझे ज्यादा नहीं चाहिए यानी इसका गलत उपयोग करके मैं तेरे नाम को इस तरह से अपमानित नहीं करूंगा और इसी तरह से कम भी न देना कि मैं कंगाल रहूं और इस कारण तेरे नाम को मैं कोसते रहूं कहा रोज की रोटी हमें दे इस तरह से पुराने नियम में कहा नए नियम में भी कहा है तो प्रभु जरूरत पूरी करते देखिए उसने इसराइली लोगों को जंगल में लाया था क्या उन्हें लाकर वहां पर गरीबी में रखा जी नहीं, बिल्कुल मतलब जितना चाहिए वो सब उन्हें खिलाया पेट भर खिलाया यहाँ पर बात यह है इसे कल के लिए मत रखना जी हाँ, आज कोई, इसे कोई खाना कोई कोई नहीं नहीं रखा कोई कमी नहीं रखा एक खाना है दो खाना है जितने खाना है खाओ और ढाई खाना है तो खा लो जितना खाना है खाओ लेकिन कल के लिए नहीं रखना उसने यही तो कहा था तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम कंगाल बने रहे यदि किसी परिस्थिति में हम उसमें से जाते हैं यानी ऐसे समय में आते हैं तो देखिये यहाँ यानी टेस्ट पीरियड या एग्जामिनेशन पीरियड कहते हैं ना सभी के लिए है आज कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं परमेश्वर गरीबी नहीं देते वो चाहते हैं कि आप धनी हो जाए ऐसे बोलने वाले एक समय मुश्किलों में से होकर जा रहे थे वो से नहीं जानते थे अभी वो उसे बिना जाने कह रहे हैं वो एक समय खुद इन मुश्किलों से गए हैं उस बुनियाद पर अभी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद में वो कहते हैं प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग दी है बिल्डिंग कितनी बड़ी ये मत बताइए उसके लिए आपने कितने दुखों को सहा वो बताइए उसने बिल्डिंग बनाई देखिए यहाँ मीडिया में आप बैठकर बात कर रहे हैं इसकी बुनियाद आपने कितनी मुश्किलों से बनाई है माता पिता के जो है, सब कुछ है। सब कुछ है मुश्किलों का सामना किया बलिदान किया उसी के ऊपर तो ये सब कुछ खड़ा है ये सब प्रभु की कृपा के कारण ही हुआ है इतना ही है परिस्थितियों के कारण सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं सभी के लिए हैं ये हमेशा बनी नहीं रहेंगी परमेश्वर उसमें से निकालते हैं हमारी ईमानदारी के अनुसार प्रभु आशीष देते हैं अब देखिए कई बार आप ये पूछे कि आप क्या कर रहे हैं इस गरीबी के लिए हम खुद ही रास्ता बनाते हैं इसीलिए प्रभु कह रहे कि छोटी से विषय में ईमानदार रहो और उस विषय में ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें अगले जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपको स्टाफ को तनख्वाह तो देनी ही पड़ती है ना आप जानते हैं क्या परमेश्वर इसे नहीं जानते होंगे उसी ने सेवा के लिए बुलाया है हम ही कहते हैं ना कि उसने बुलाया है जो दे रहे उसे सही तरह से निश्चय देते हैं बिना दिए नहीं रहेंगे आपके मार्ग में आप भी तो बहुत कुछ देखिए बातें देखिए इसलिए जरूरी नहीं कि मैं जो चाहता वो दे वो जो सोचते हैं वो निश्चय ही देंगे हम इच्छा रखते और हैं लगता है ये वचन बहुत सही रहेगा और हमने अनदेखा करके इसे मिस यूज कर दिया ये मुझे फील लगता है सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड सो सी की फर्स्ट वो पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें जा, मिल जाएगी जो पहला ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या हमने उसे गलत समझ गया ऐसा है क्या मिल जाएगा उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है जी तो इसे करेक्टली कैच करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ऐसा एक सवाल मन लीजिए भोजन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है यानी जब भोजन दिया जाता है आपको वो भोजन खिलाने के लिए सबसे पहले यानी जब आप सड़क पर जाते हैं तो सुगंध आती सुगंधा स्मेल है अगर आप करीब जाकर देखें तो उस खुशबू के लिए उन्होंने छोटी चीजों का उपयोग किया है सेहतमंद भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण है खुशबू को महत्व देकर हम जब जाते हैं वैसे ही संसार की आशीषें ऐसी खुशबू के जैसी हैं। पर असली भोजन तो परमेश्वर के साथ में है कई बार हम बस ऐसे ढूंढते ढूंढते रहते हैं पर मिलता नहीं है प्रभु को खोजेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा तो धन संपत्ति परमेश्वर से ही आती है परमेश्वर ने धन संपत्ति को बनाया और हमें आशीष दी है पर वस्तुओं का लालच करने के के बजाय यानी यानी परमेश्वर जो भी देते हैं जिस उद्देश्य लिए लिए दिया है उसके उपयोग करें हमारे लिए संसार नहीं पर परमेश्वर महत्वपूर्ण है जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा मैं अंत में यही कहूंगा सारे धनी लोग हमेशा नरक में जाएंगे ऐसी बात नहीं है धनी लोग भी स्वर्ग में जा सकते हैं वो स्वर्ग में जा सकते हैं इसके लिए एक बहुत बड़े चिन्ह के रूप में जो और भी विषय है जानी लाजर उस धनी व्यक्ति के बीच में ऐसा एक सेपरेशन क्यों है और दूसरी बात सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया उन्हें क्यों यहाँ पर धकेल दिया गया लाजरू वहाँ कैसे पहुँचते हैं सबको पता है लेकिन कुछ बातें अनजान है उसे मगले एपिसोड, एपिसोड रहस्य बहुत बहुत दृष्टांत और, और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे यह हमारा विश्वास है इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें